केंद्रीय कैबिनेट विच विस्तार मगरों अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी विच होई कैबिनेट मीटिंग दौरान कई अहम फैसले लाए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना की संभावित तीजी लहर के टाकरे लिए 23,000 करोड़ रुपए के एमरजेंसी सेहत पैकेज को मंजूरी दी। कैबिनेट मीटिंग मगरों प्रेस ब्रीफिंग दौरान सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने दस्या कि केंद्र सूबियां नाल रल के करोना विरुद्ध जंग लई वड्डे पद्धर ते काम कर रहा है। उन्होंने दस्या कि देश के 734 जिलों में बच्चों के इलाज लई बाल सेहत संभाल यूनिट बनाउण दा फैसला किया गया है। सेहत मंत्री ने दस्या कि देश भर में मुढ़ले सेहत केंद्रां ते कम्यूनिटी हैल्थ सेंटरां विच 2,44,000 नवें ऑक्सीजन बैड अते 20,000 नवें ICU बैड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दस्या कि हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोर करन दे प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना विरुद्ध लड़ाई सानू इकट्ठे होकर लड़नी होगी। भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन होगा। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था, और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी वन में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों नूं एक बार फिर अंदोलन दा रस्ता छड्ड के गलबात लई अगे आउण लई कहा। उन्होंने कहा कि सरकार खेती कानून रद्द करन तों बिना किसी भी प्रस्ताव ते गलबात करन लई तैयार है। उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म नहीं होणगियां, सगों सरकार मंडियां नूं होर मजबूत करन जा रही है। उन्होंने दस्या कि APMC मंडियां हुण 1,000 करोड़ रुपए मूल ढांचा फंड की वरत सकनगियां। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोगों विच MSP खत्म करन दा झूठ फैलाया गया है, जबकि यह सवाल जिथे देश विच अनाज की रिकॉर्ड पैदावार हुई उथे किसानों नूं रिकॉर्ड MSP अदायगी कीतियां गईयां। खेती मंत्री ने कहा कि सरकार ने खेती कानूनों नूं लैके अंदोलनकारी किसानों तों कई बार प्रस्ताव मंगे अते उह एक बार फिर किसानों नूं अंदोलन खत्म करन दी अपील करदे ने। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। APMC समाप्त नहीं होगी, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। APMC राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है, और APMC और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि APMC खत्म हो जाएंगी, APMC खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग तो बाद मंत्री परिषद नाल भी मीटिंग की, जिस दौरान वक्त-वक्त मुद्दों पर चर्चा की गई।